गुजरते वक्त के साथ साथ इंसान ने रोजमर्रा के कामों में बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। धोबी घाट से लेकर जदीद दौर की वॉशिंग मशीन तक कपड़ों की धुलाई एक अहम मरहला रही है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सुपर एशिया इंडस्ट्री किस तरह पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक जदीद नौयत की पायदार वॉशिंग मशीन्स बना रही है और दुनिया के बेशुमार मुमालिक में एक्सपोर्ट कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। Assalamualaikum, welcome to another amazing program of Made in Pakistan. मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, जो ना सिर्फ खाबों और पहलवानों के हवाले से मशहूर है बल्कि इसकी इंडस्ट्री भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है, और इसीलिए तो ये शहर पाकिस्तान के गोल्डन ट्रायंगल का एक ख़ास हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं गुजरांवाला की इंडस्ट्री की, तो जो नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है वो है सुपर एशिया का। सुपर एशिया पाकिस्तान के अंदर लीडिंग होम अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ख़ास तौर पर इनकी वॉशिंग मशीन ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज ना सिर्फ हम आपको सुपर एशिया के बिजनेस जर्नी के हवाले से आगाह करेंगे बल्कि इनकी वॉशिंग मशीन का तमाम तर मेकिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। So viewers, right now I'm sitting with the people behind the Super Asia, इनके चेयरमैन मिस्टर अशरफ मुगल और यंग मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ज़ैन अशरफ मुगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले अशरफ मुगल साहब, टेल अस समथिंग अबाउट द कंपनी लेगेसी। कब ये कारोबार शुरू किया, किन किन मुश्किल मराहल से गुजरे और इस वक्त कहाँ पर हैं? हम बेसिकली अमृतसर के रहने वाले हैं जी। तो पार्टीशन के बाद 1947 में हमने कलेम में फैक्ट्री मिली गुजरांवाला में। अच्छा। वाला साहब ने बर्तनों का काम किया, तो उसमें बहुत सारे फेलियर आ गए, नुकसान हुआ, तो हमने ये काम मतलब वाइंड अप कर दिया दो चार साल के बाद वाला साहब ने। 75 में हमने सोचा कि वॉशिंग मशीन का काम ये करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वॉशिंग मशीन बनाना शुरू की? जी, सबसे पहले तो हमारा टेक्सटाइल का काम था। ठीक है। जो 10-12 साल हम वो करते रहे, 10 साल, तो उसके बाद वॉशिंग मशीन का काम मतलब 75 में। ठीक, तो मुश्किलात तो बहुत सी आई होंगी जैन, लेकिन इस टाइम जो है सुपर एशिया एक मार्केट लीडर है। कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तकरीबन? ऑल टुगेदर अराउंड 100+ प्रोडक्ट्स हम अभी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुपर एशिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेनली वी आर द मार्केट लीडर्स अलहम्दुलिल्लाह इन रूम एयर कूलर्स, वॉशिंग मशीन, फिर उसके अलावा वाटर गीजर्स हमारे पास, फिर आपके फैंस की पूरी एक बहुत बड़ी रेंज है, फिर उसके साथ हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं जैसे सुपर एशिया पॉलीमर्स हैं, जिसमें सेफ लाइन इंसुलेशन के नाम से एक हमारा प्रोडक्ट है, जो इंसुलेशन मटेरियल्स हम बना रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है फॉर टेम्परेचर कंट्रोल और साउंड प्रूफिंग, और उसके अलावा अंडर कारपेट और वुडन फ्लोरिंग के नीचे भी ये जब प्रोडक्ट जाता है, उसके साथ साथ मेट्रस में ये बड़ी बाय प्रोडक्ट यूज़ हो रही है। ठीक। तो
किचन अप्लायंसेस के अंदर भी एक बड़ी लंबी रेंज है जो हम ऑलरेडी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुपर एशिया सेल कर रहे हैं। मतलब आप उस लेगेसी को सही तरह लेके चल रहे हैं जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ कारोबार किए, तो आप भी इस बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट तो हमारे बड़ों को जाता है, जैसे मेरे अब्बू हैं, मेरे दो ताया हैं जिन्होंने इस सारे बिजनेस को स्टार्ट किया और वो ट्रेन को पटरी के ऊपर चला के और उसकी रफ्तार तेज़ करके हमें सौंपी है। इनकी जितनी मेहनत तो ऑब्वियसली हम इनके एट पार नहीं जा सकते, बट हम कोशिश करते हैं कि उसको एडवांस कर सकें, जो दुनिया की आज की मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड की नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें, सुपर एशिया को डिजिटाइज करें, ऑनलाइन ई कॉमर्स पे लेके जाएं और मैसेज तक लेके जाएं, इस ब्रांड को अपलिफ्ट करें। जैसे 2009 में सुपर एशिया हार्डीज पाकिस्तान में लेकर आया, अब अलहमदिल्ला 22 आउटलेट्स हैं अक्रॉस सुपर एशिया। फैक्ट्री आपने देखा हुआ, एक मॉल हमने रियल इस्टेट में गए डेवलपमेंट में, मॉल ऑफ गुजरांवाला के नाम से हमने एक मॉल बनाया। फिर उसके अंदर हम सुपर एशिया फूड्स के अंदर आ गए जिसमें हमने अपनी कुछ चेन्स डेवलप की, जैसे टाओ पैन है, देसी टेबल है, मैरिनारा है, और इसी तरह अब कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हम इंटरनेशनल ब्रांड को पाकिस्तान के हर कोने में हमने अपने आउटलेट्स खोले हैं, अपनी लोकल ब्रांड्स को भी इसी तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। सिर्फ मतलब सुपर एशिया ही ग्रो नहीं कर रही, आप पाकिस्तान की सोसाइटी को भी आगे लेके अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, प्राउडली ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो हर घर में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तकरीबन हम 20 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मीना रीजन मेनली और दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है, वहाँ से हम आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ओमान में, सूडान में, और इस तरह सारे मीना रीजन के ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसको इंशाल्लाह हम आगे भी और लेके जाना चाह रहे हैं और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि होम अप्लाइंसेस बहुत सी कंपनियाँ बना रही हैं, बट सुपर एशिया की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ या मुनफरद करती है? सुपर एशिया के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा ख्याल है मेरे वाले साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, वो ये क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया, और उसी की तरगीब आज भी हर मीटिंग में और हर डेवलपमेंट की मीटिंग के अंदर जो विज़न है सुपर एशिया का वो ये है कि हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही करता है। तो इसीलिए आपके जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इवन रूम एयर कूलर्स का, तो वो आपको बताते हैं कि लोगों के पास 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से वॉशिंग मशीन हमारी पड़ी हुई है और आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, छोटा मोटा कोई मसला आ भी जाए बट देर स्टिल यूजिंग इट। सो आई थिंक द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और आई थिंक दैट इज़ द मेन पिलर ऑफ सुपर एशिया कि जो क्वालिटी और ट्रस्ट है बिटवीन अस एंड द कंज्यूमर और जो पुराना रिश्ता है वो आज भी कायम है। अच्छा बट अब तो आप पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह, तो जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि कामयाबी का राज क्या है? नीयत साफ रखें, नीयत से मेहनत से काम करें, जो बंदा मेहनत से काम करता है अल्लाह ताला उसको उसका अजर ज़रूर मिलता है उसको। ज़रूर ऐसे ही। सो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया सुपर एशिया की लेगेसी के हवाले से किस तरीके से सुपर एशिया जो है इंटरनेशनल क्वालिटी के और बेहतरीन जो है होम अप्लाइंसिस के प्रोडक्ट्स बना रही है। आगे चल के हम आपको वो दिखाते हैं, सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन यहां पर हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जो ग्रैनुलर्स हैं ये पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? जी बिल्कुल, और ये इसको हाई टेम्परेचर पे हीट पे जब जाता है उसके बाद ये बैरल में जाके फिर मोल्ड के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग। किसी भी प्रोडक्ट की तरह वॉशिंग मशीन बनाने का मरहला शुरू होता है सुपर एशिया के R&D डिपार्टमेंट से। यहां ना सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन पर काम होता है बल्कि वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के मोल्ड्स भी बनाए जाते हैं। मरहले में खास किस्म की CNC मशीन्स कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ पुर्जों के मोल्ड्स तैयार करती हैं। ऐसे पुर्जे जिनमें निहायत बारीकी का काम हो उनके मोल्ड्स तैयार करने के लिए हाई टेक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन इस्तेमाल की जाती है।
बड़े पुर्जों की तैयारी के लिए लेटेस्ट लार्ज बेड मोल्ड मशीन के जरिए बड़े बड़े फर्मे भी सुपर एशिया फैक्ट्री में ही तैयार होते हैं। R&D और मोल्डिंग सेक्शन से तैयार फर्मों को इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है। तैयार फर्मों को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगाकर बल्क में वॉशिंग मशीन के मुख्तलिफ प्लास्टिक के पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिनमें वॉशिंग मशीन की बेस, इनर टब और कंट्रोल पैनल वगैरह शामिल हैं। अगले सेक्शन में वॉशिंग मशीन के दिल यानी मोटर का एक एक पुर्जा सुपर एशिया के मोटर सेक्शन में तैयार होता है। मोटर सेक्शन में सबसे पहले लेटेस्ट हाइड्रोलिक स्टैंपिंग प्रेस मशीन पर इलेक्ट्रिक शीट्स के जरिए मोटर का अंदरूनी हिस्सा, रोटर और स्टेटर तैयार किए जाते हैं। मोटर का बैरूनी हिस्सा डाईकास्ट सेक्शन में तैयार किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम को पिघलाकर डाईकास्ट मशीन में डालते हैं और मोल्डिंग सेक्शन से तैयार किए गए फर्मे की शक्ल के पुर्जे बल्क में बनाए जाते हैं। वाइंडिंग सेक्शन में सबसे पहले कतार में लगी मशीन्स पर कॉपर वायर्स के छोटे छोटे गुच्छे बना लिए जाते हैं। अगले मरहले में मशीन की मदद से स्टेटर में प्लास्टिक पेपर को इंसर्ट किया जाता है। तैयार करदा कॉपर वायर्स के गुच्छों को स्टेटर में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ माहिर कारीगर जदीद मशीन्स पर निहायत निफासत से कॉपर वायर के साथ इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करते हैं और फिर इसको एक स्टिचिंग मशीन की मदद से धागे से सिया जाता है ताकि वायर्स बाहर ना निकल सके। सब असेंबली सेक्शन में मोटर के तमाम पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और फिर क्वालिटी सेक्शन में मोटर की वर्किंग को जांचा जाता है, जहां से फिर इन तैयार करदा मोटर्स को असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है। असेंबली सेक्शन में सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बेस पर मोटर को फिक्स किया जाता है, जिसके बाद असेंबली लाइन में इस पर वाटर बॉडी लगाई जाती है। एक बेल्ट के जरिए वाटर बॉडी की पुली को मोटर से अटैच किया जाता है और फिर मशीन का हेड फिट किया जाता है, जिस पर कंट्रोल पैनल लगाकर माहिर कारीगर इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्ट करते हैं। असेंबली लाइन से ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन क्वालिटी लाइन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पहले मशीन में पानी भरकर वाटर टेस्ट किया जाता है ताकि पानी की लीकेज चेक हो जाए। इलेक्ट्रिक पैनल्स की मदद से मशीन को चलाकर चेक किया जाता है और आखिर में विजुअल चेकिंग के साथ मशीन का नॉइज और वॉबलिंग टेस्ट भी किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस के बाद तैयार वॉशिंग मशीन्स को पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर प्लास्टिक में रैप करके इनको कार्टन्स में पैक किया जाता है और गोडाउन्स में शिफ्ट कर दिया जाता है।
सुपर एशिया पाकिस्तान की पहली वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिनकी वॉशिंग मशीन्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही हैं, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो किसी भी कंपनी की तरह सुपर एशिया का भी प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली R&D डिपार्टमेंट से शुरू होता है, जहाँ पर ये अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, नई प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाई जाएं, क्या डिज़ाइंस हो, क्या क्या नए नए फीचर्स आएँ, उन सब का जो है ये बाकायदा तौर पर कंप्यूटर्स पे इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिज़ाइंस बनाते हैं और फिर उनको प्रोडक्शन यूनिट में भेजा जाता है। सुपर एशिया को जो चीज़ मुनफरिद करती है दूसरी होम अप्लाइंसेस की कंपनीज के साथ, ये सेल्फ सफिशिएंट है, हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर खुद बना रहे हैं और इसी वजह से एक एक पुर्जा जो है वो सुपर एशिया की प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर तैयार किया जा रहा है और इसी वजह से होम अप्लाइंसेस जो है वो थोड़ा सा इसकी मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड भी इसलिए होती है कि हर पुर्जे के लिए अलग अलग टूल शॉप्स होते हैं। तो इस मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ दो यंग डायरेक्टर सुपर एशिया के मौजूद हैं, मिस्टर वकास अफजल और मिस्टर तैमूर यूसुफ। तो इनसे जानते हैं कि क्या जनरली प्रोसेस है और किस तरीके से ये सारे के सारे इस काम को देख रहे हैं, दोनों जो है ऑपरेशंस को देखते हैं। तो जनरली तैमूर, क्योंकि हर पुर्जा जो है वो यहाँ पर आप खुद तैयार करें, कितनी टूल शॉप्स हैं, कितने मुख्तलिफ किस्म के जो है आप मतलब यहाँ पर चीज़ें तैयार करते हैं? हमारे पास डिफरेंट शोबे हैं, जिस तरह एक हमारा डिपार्टमेंट है CNC का, फिर हमारे पास है EDM का, जहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग ऑफ मशीन वो करते हैं हम लोग, उससे इलेक्ट्रिसिटी से ही मोल्ड को हम लोग कटिंग करते हैं उसकी। सेकेंडली हमारे पास मेन मोल्ड टूल शॉप है, जहाँ पे हम उसकी अमेंडमेंट्स वगैरह करते हैं मोल्ड की। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट शॉप्स हैं जो मेन इस चीज़ के जो बैक एंड का काम करती हैं, और उसके अलावा हमारे पास इंजेक्शन की, मोटर की, असेंबली लाइन की, जो हम आगे चलते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें भी इंट्रोड्यूस करेंगे, सारा दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, आगे चल के आपको ये सारा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एक बेहतरीन किस्म की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वॉशिंग मशीन बनाई जाती है। और जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि इनकी जो वॉशिंग मशीन है वो जनरेशंस तक चलती है। थोड़ा और मैं इसमें ऐड अप कर दूं कि जो ये मशीनें हैं दे आर वन ऑफ द मतलब टॉप वो मशीन्स हैं जिनसे हम लोग इनकी टूलिंग वगैरह करते हैं बॉडीज़ की। अच्छा भाई, और इसमें मतलब डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं एक मोल्ड को रेडी करने में, मतलब इट टेक्स डेज, वीक्स, मंथ्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग इट इज़। तो ये इस पर हम लोग कंप्यूटर से जो डिज़ाइन हुआ मोल्ड का जो सारे उसके प्रोग्राम है वो इसमें इनपुट करके तो उसके ऊपर हम लोग मेटल के ऊपर इसको डिज़ाइन करवा लेते हैं। सही। तो एक प्रोडक्ट की मेकिंग के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, जिस तरह के बता रहे थे कि महीने भी लग जाते हैं चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो आगे चलते हैं, आपको मुख्तलिफ इनकी शॉप सिखाते हैं, टूल शॉप जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मोल्डिंग और ये इंजेक्शन मशीन्स हैं, जहाँ आउटर भी बनता है, इनर प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, और फिर आखिर में असेंबली लाइन में जहाँ असेंबल करते हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त एक बहुत भारी सा पुर्जा है और ये है EDM सेक्शन। CNC सेक्शन में हमने आपको दिखाया किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन है और ये जो अनरीचेबल कोर्स होते हैं, जो भी इनके मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं उसमें जाकर ये काम करती है, एंड इट्स वेरी हैवी। तो हमारे साथ जो है तैमूर और वकास भी मौजूद हैं। सो तैमूर, बताइएगा कि ये EDM सेक्शन की क्या खासियत है? ये EDM सेक्शन इज़ एक्चुअली ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। इसमें ये होता है कि जब आपके कोई बहुत डेप्थ में जो पार्ट्स होते हैं, सपोज जहाँ पे अनरीचेबल होता है हमारे दूसरे टूल्स के अलावा, मतलब हम नहीं पहुँच सकते, तो वो हम इस मशीन से करते हैं। इसका तरीका ये है कि इसको ऑयल में मोल्ड को डिप किया जाता है और इस मशीन से मतलब इसको इलेक्ट्रोड चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको हम लोग इसकी चेंजेस करते हैं इसमें। तो इसको आप हम ये दिखाते हैं इसमें ऑयल बेस्ड, और इसको पैनल से हम लोग इसको मैनेज कर रहे होते हैं सारा। सो ये वो मशीन्स हैं जिनसे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर सुपर एशिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे मुनफरिद नज़र आते हैं।
सो आगे चलते हैं, और अभी तो हमने आपको दिखाया है मुख्तलिफ टूल शॉप्स हैं यहाँ पर, R&D का काम भी हो रहा है, साथ साथ प्रोडक्ट्स तैयार भी हो रही हैं, बट बल्क में कहाँ प्रोसेस होता है और किस तरीके से रॉ मटेरियल से मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड्स बनाए जाते हैं, फिर उन्हें असेंबल किया जाता है, ये सारा प्रोसेस आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो हमने R&D डिपार्टमेंट सुपर एशिया का दिखाया और साथ ही साथ मोल्डिंग सेक्शन भी दिखाया, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड तैयार किए जाते हैं, वो सांचे जिनसे फिर बाद में बल्क में प्रोडक्शन की जाती है मुख्तलिफ हिस्सों की। और इस वक्त हम मौजूद हैं इनके इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पर ये जो मुख्तलिफ ग्रैनुलर्स हैं, रेजन्स हैं, जिससे प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार की जाती हैं। फॉर्चुनेटली इनके एक और यंग डायरेक्टर जो कि गुजरांवाला चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मिस्टर उमर अशरफ मुगल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मोल्डिंग सेक्शन में हमने सांचे बनते हुए देखे, तकरीबन कितने किस्म के सांचे बनाए जाते हैं और इस वक्त हम कहां पर मौजूद हैं? ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग डिपार्टमेंट कहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्राउडली कहते हैं कि वी आर होस्टिंग वन ऑफ द पाकिस्तान्स लार्जेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग फैसिलिटी ओवर हियर। तो जितनी भी वॉशिंग मशीन के मोल्ड हैं वो उनको प्रोडक्शन में, एयर कूलर के मोल्ड को प्रोडक्शन में यहाँ पे लाया जाता है। एक वॉशिंग मशीन या एयर कूलर के तकरीबन 15 से 25 मोल्ड डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एक वॉशिंग मशीन के मोल्ड होते हैं जिनकी प्रोडक्शन यहाँ पे की जाती है। अच्छा। तो ये जो रेजन है, प्लास्टिक का रेजन है, इसको ऊपर सक किया जाता है और इस बैरल को जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, हीट के थ्रू इसको उसके मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है, उसके साथ ये प्रोडक्शन होके एक प्लास्टिक अपनी शक्ल में आ जाता है। ये जो ग्रैनुलर्स हैं ये पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? जी बिल्कुल। और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट पे जब जाता है उसके बाद ये बैरल में जाके फिर मोल्ड के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ठीक है। और ये फिर ये क्या, ये इनर टब्स हैं? ये हर वॉशिंग मशीन के, जैसे मैंने आपको बताया 20-25 मोल्ड होते हैं, तो ये एक मशीन का जैसे टब है उसका एक पार्ट है। अच्छा। तो ये उसका टब है, इसका दूसरा पार्ट दूसरी मशीन पे बन रहा होगा, पैनल एक और मशीन पे बन रहा होगा, ये सब पार्ट्स की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। जब ये सब पार्ट्स की प्रोडक्शन कंप्लीट एक सेट की शक्ल में मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद ये पार्ट्स पूरे असेंबलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है। वहाँ से फिर इसको बाकी इसके जो एक्सेसरीज हैं, जिसमें इसकी मोटर हो गई, इसके पैनल हो गए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, व्हील हो गया, वो लगा के असेंबल किया जाता है, उसके बाद टेस्टिंग की तरफ चला जाता है। बेहतरीन। और ये लेटेस्ट मशीन्स हैं, बड़ा ही खूबसूरत व्यूज, सारा का सारा प्रोसेस है, बड़ा ऑटोमेटिकली और बड़े सिस्टमाइज तरीके से काम हो रहा है। तभी तो जैसे आप कह रहे थे कि लार्जेस्ट आप लोग जो हैं इस चीज़ के प्रोड्यूसर्स हैं, माशाल्लाह। सो माशाल्लाह, इट इज़ 100% प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। इसकी एक एक चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं, और आगे चल के इस तरह की ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन है जहाँ पर ये इनर टब्स बन रहे हैं। इनकी मोटर सेक्शन में किस तरह मोटर तैयार हो रही है, इनके स्टील के किस तरह चीज़ें तैयार होती हैं वो सब भी दिखाएंगे, और फिर एंड में असेंबली सेक्शन में कैसे असेंबल होता है वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। आए फिर आगे चल के अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। व्यूअर्स, जैसा उमर अशरफ मुगल साहब ने कहा था, वाकई सुपर एशिया का ये इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन बहुत बड़ा है। और पहले तो हमने आपको जो है इंटरनल टब बनता हुआ दिखाया, एक्सटर्नल बॉडी का पार्ट बनता हुआ दिखाया। वैसे भी एक वॉशिंग मशीन का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो प्लास्टिक के ऊपर बेस करता है, तो तमाम तर मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट जो है वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में इस मशीन में जो है ये इसकी बेस बना रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो मोटर फिक्स की जाती है। अच्छा, हर एक का अलग कलर भी होता है, केमिकल रेसिपी भी अलग होती है, तो ग्रैनुलर जो है वो मुख्तलिफ करके बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है यहाँ पर ये टोकरी सी तैयार कर रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है अपनी मशीन्स के अंदर रख के देते हैं। ये मुख्तलिफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बन रही होती हैं। बैक वक्त बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा होता है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो मशीन है
इस पर यह कंट्रोल पैनल्स तैयार किए जा रहे हैं जिन पर मॉब्स लगनी हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है फिट होनी है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें फ़िट होनी हैं, इन सब को तैयार करके साथ साथ स्टैक भी जमा किया जा रहा होता है और उसको फिर असेंबली सेक्शन में भेजा जा रहा होता है। इसके अलावा एक और बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो एक छोटी सी मशीन है, उसकी भी ये देख लीजिए कि ये उसका बॉडी पार्ट भी यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी होती है, ख़ासतौर पर गल्फ बहुत ज़्यादा जा रही है। इसके अलावा जिस तरह के मुख्तलिफ रेंज ऑफ मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स बनाई जा रही हैं, तो इनकी जो ऑटोमेटिक मशीन है उसका भी जितना भी इस तरह का प्लास्टिक का के कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा है और इसके ये मशीन के ऊपर एक जो सेट तैयार किया जाता है वो लगाया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये तमाम तर प्लास्टिक कॉम्पोनेंट्स इस इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में तैयार किए जा रहे हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं मोटर सेक्शन में मोटर कैसे तैयार होती है, विच इज़ द हार्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। मोटर का प्रोसेस सारा आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर असेंबली सेक्शन में लेके जाएंगे कि कितना स्मूथली और स्मार्टली जो है एक असेंबली लाइन के अंदर ये तमाम तर कॉम्पोनेंट्स को मिलाया जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलुमिनियम जो है इसको पिघला कर, ये फर्नेस है, भट्टी है, इस पर पिघलाया जाता है और इसकी लिक्विड फॉर्म को इस डाईकास्ट मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म के इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पुर्जे जो हैं वो मोटर के तैयार किए जाते हैं। जहाँ पर वॉशिंग मशीन का दिल यानी कि उसकी मोटर तैयार की जाती है और ये ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट है जिससे तैयार की जाती है। इलेक्ट्रिकल शीट जो है वो कॉइल की सूरत में उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे जमा किया जाता है। सबसे पहले इन कॉइल्स को अनवाइंडिंग मशीन में रखा जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल शीट जो है इस आप कह लीजिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है जो स्टैम्पिंग प्रेस का काम करती है और ये लेटेस्ट मशीन है जो कि बहुत तेज़ी से ये सारा का सारा काम परफॉर्म करती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर भी है क्योंकि इस मशीन ने ना सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल शीट को पीसेस में काटना होता है बल्कि बार बार प्रेस करके इससे रोटर और स्टेटर तैयार किए जाते हैं। इन रोटर्स और स्टेटर्स के ऊपर फिर बाद में वाइंडिंग की जाती है और इनको फिक्स किया जाता है जिनकी मदद से मशीन जो है वो आगे चलती है। अच्छा आप देखिए कि ये एक शीट जो है उसको कितने पीसेस में काट के और किस तरीके से प्रेस किया जाता है जिसके बाद ये रोटर्स बनाए जाते हैं और ये कीमती और महंगा काम इसलिए किया जाता है ताकि मोटर जो है वो पायदार रहे, ज़्यादा अरसे तक चले और मशीन की एफिशिएंसी बेहतरीन रहे। आगे इसमें वाइंडिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बाकी मोटर के हिस्से तैयार किए जाते हैं अब वो दिखाते हैं आपको। स्टैम्पिंग प्रेस के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं डाईकास्ट सेक्शन के अंदर और मोटर मेकिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलुमिनियम जो है इसको पिघला कर, ये फर्नेस है, भट्टी है, इस पर पिघलाया जाता है और इसकी लिक्विड फॉर्म को इस डाईकास्ट मशीन में डाला जाता है जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म के इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पुर्जे जो हैं वो मोटर के तैयार किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस फर्नेस को जो है वो रोटर के अंदर भी पिघला कर जो है वो डाला जाता है और लेटेस्ट मशीन जो है वो सुपर एशिया ने इस हवाले से लगाई हुई है। ये भी एक डाईकास्ट मशीन है जो कि ख़ास किस्म के इस तरह के दो कप्स जो है वो तैयार करती है और ये मोटर की बैक साइड पे लगते हैं जिससे हवा वो निकलती है। प्रोसेस इज़ द सेम, एलुमिनियम को पिघलाते हैं, डाईकास्ट मशीन में डालते हैं और जिस तरह का फर्मा आपने लगाया होता है उस तरह की प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाती है। वो बड़ा गर्म था, मैं इसलिए उसको हाथ नहीं लगा सकता था,
ये वो फॉर्म है जो उसकी बाहर आ गई, ये मोटर की बैक साइड पे आमतौर पे आपने लगी हुई देखी होगी। इसी तरीके से एक डाईकास्ट मशीन के ऊपर जो है मोटर का ऊपर का हिस्सा लगा होता है। अच्छा, मुख्तलिफ साइज़ की मुख्तलिफ डिज़ाइन की मोटर तैयार की जाती हैं, तो ये भी फर्में जो हैं वो मुख्तलिफ तैयार किए जाते हैं। आगे इनको कैसे असेंबल किया जाता है और एक बहुत अहम प्रोसेस वाइंडिंग का जिस पे वायर चढ़ाई जाती है वो भी किया जाता है, अब आगे चल के वो दिखाते हैं आपको। मोटर के जो पुर्जे तैयार हुए थे डाईकास्ट सेक्शन के अंदर वो अब यहाँ पर आ चुके हैं सीएनसी मशीनिंग सेंटर के अंदर, और यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए जो है इन पुर्जों के अंदर फिनिशिंग और सरफेसिंग की जाती है, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ पुर्जे फिट किए जाने होते हैं। बहुत ही स्मार्टली तरीके से ये जो बेस है मोटर की उसके ऊपर भी काम कर रही हैं मशीन्स। ये मशीन्स बहुत एफिशेंटली काम करती हैं। पहले यही काम जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए होता था, लेकिन अब एक ही मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है कि इसमें ये चीज़ें ठीक करनी है, तो ये उसकी सरफेसिंग और फिनिशिंग करती रहती है। इस तरह की देखिए रॉ मटेरियल जो कि डाईका सेक्शन से निकला था, अब इस रॉ मटेरियल को इस मशीन से निकालने के बाद थोड़ा गर्म है, क्योंकि गर्म गर्म इसमें से निकला है। आप देखिए इसकी सरफेसिंग हुई है, यहाँ पर इसकी फिनिशिंग हुई है, और ये फिनिश मटेरियल जो है आगे भेजे जाएंगे जहाँ मोटर जो है वो असेंबल की जाएगी, तैयार की जाएगी। आइए आपको वो भी सारा प्रोसेस दिखाते हैं। मोटर के एक्सटर्नल पार्ट्स हमने आपको डाईकास्ट सेक्शन में बनते हुए दिखाए, अब इंटरनल पार्ट्स जो हैं उनमें क्या क्या काम होता है। ये वो स्टेटर है जो कि स्टैम्पिंग प्रेस पे तैयार हुआ था। सबसे पहले स्टेटर के अंदर जो है ये प्लास्टिक के पेपर को इंसर्ट किया जाता है, और फिर जो अहम हिस्सा होता है किसी भी मोटर का वो उसकी वायर्स होती हैं, तो कॉपर की जो वायर हैं उनके छोटे छोटे कॉइल्स तैयार किए जाते हैं, और उन कॉइल्स को फिर स्टेटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये वो कॉइल्स हैं जो कि तैयार किए जाते हैं, और फिर इन कॉइल्स को एक मशीन के ज़रिए जो है इस स्टेटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर जब ये स्टेटर तैयार हो जाता है तो इन वायर्स को कवर करने के लिए सबसे पहले जो है इन वायर्स को यहाँ पर स्टिचिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए स्टिच किया जाता है, सिलाई से इनको कवर किया जाता है, इनको पैक किया जाता है ताकि ये बाहर मत निकले, और साथ ही साथ फिर इनका इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू हो जाता है। इनको मुख्तलिफ किस्म की वायरिंग दी जाती है, इनकी वायर्स को जो है प्रिजर्व किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, वायरिंग जो है वो जल मत जाए, और ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो तैयार स्टेटर होता है उसको एक मरतबा फिर स्टिच किया जाता है, उसका दूसरा हिस्सा उसको स्टिच किया जाता है, और फिर एक प्रेसिंग मशीन के ऊपर रख के प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये मोटर का जो अंदरूनी हिस्सा है ये तैयार हो जाता है। अब आप देखिए इसमें नफासत भी है, किसी किस्म की कोई तार बाहर नहीं आई, और ख़ूबसूरती से वाइंड हुई हुई तार जो है ये मोटर के अंदर आ चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको मोटर का जो है एक सब असेंबली यूनिट होता है जहाँ पे पूरी मोटर को असेंबल किया जाता है, और फिर असेंबल करने के बाद उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक के बाद उसको बड़े असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है जहाँ पर पूरी वॉशिंग मशीन जो है वो तैयार की जाती है। कैसे, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर एशिया के असेंबली यूनिट में, और तमाम तर पार्ट्स जो हमने आपको बनते हुए दिखाए वो यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है। सबसे पहले ये मोटर्स जो कि कोर होती हैं किसी भी वॉशिंग मशीन का, उनको यहाँ पर सब असेंबल किया जाता है,
और आप देख सकते हैं कि एक पुली इनको लगाई जाती है जिसकी मदद से ये फिर मूव करना शुरू करती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये जो हमने आपको बेस बनते हुए दिखाई थी, इस बेस के अंदर इस मोटर को फिक्स किया जाता है और फिर इसको जो है एक असेंबली लाइन पर रखा जाता है। ये तमाम तर काम इतना सोफिस्टिकेटेडली, इतना बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है और इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 800 के करीब वॉशिंग मशीन जो हैं वो डेली एक शिफ्ट में यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये हमने जो आपको दिखाई बेस को फिर बाद में फिट किया जाता है। ये जो इसका इनर टब है, इनर टब को भी सब असेंबल किया जाता है, इस पर पूरी लगाई जाती है, एक ड्रेन पाइप लगाया जाता है और फिर यहाँ इनको फिट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे होंगे ये जो पाइप से जिससे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली न्यूमेटिक गन्स हैं। आसान अल्फाज में इनको इलेक्ट्रिकल आप कह लीजिए स्क्रू ड्राइवर्स भी कहा जा सकता है, जो कि इसके स्क्रू को टाइट करती हैं। अच्छा, एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ जो है ना यहाँ पर काम हो रहा है बारीकी के साथ, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि पुली एडजस्ट की जाती है, यहाँ पर बेल्ट लगाई जाती है उस पुली को और मोटर को, जो कि फिर बाद में इस मोटर को जो है मूवेबल बनाती है। एक प्रोसेस के अंदर फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाद एक और यहाँ पर छोटा सा एक प्रोसेस होता है, ये आप लोगों ने चीज़ देखी होगी जो आपकी मोटर आपकी वॉशिंग मशीन्स में आमतौर पे लगी होती है। ये इसलिए होती है कि जब कपड़े धुलते हैं तो जो मोटी मोटी कॉन्टेमिनेशन है वो उसमें जमा हो जाए और उससे किसी किस्म का कोई ड्रेन पाइप जो है वो बंद ना हो। इसके बाद यहाँ पर जो है आप कह लीजिए जो इसका मेजर सेट है वो फिक्स किया जाता है मशीन के अंदर, और फिर आगे ये छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं ये न्यूमेटिक गन के ज़रिए इसके ऊपर भी जो है इसको स्क्रू ड्राइवर से फिक्स कर रहे हैं ताकि ये मजबूत रहे और वो जो क्वालिटी जिसकी गारंटी जो है वो देती है सुपर एशिया, वो क्वालिटी हमें हर चीज़ में नज़र आए। एक और बहुत अहम प्रोसेस है, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिकल पैनल। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल जो है जिससे हम ये तमाम तर अपने काम जो है वो कंट्रोल करती हैं, वो यहाँ पे फिक्स किए जा रहे हैं और ये सारा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से एक एक चीज़ को देख के जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल काम जहाँ आता है वहाँ सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए जो वायर्स जिनको जोड़ा जा रहा है इनको ख़ास किस्म की एक येलो कैप जो है वो चढ़ाते हैं। अच्छा, इस येलो कैप का फ़ायदा ये होता है कि किसी किस्म का कोई फायर जो है आप कह लीजिए कि शॉर्ट सर्किट जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस पर प्लास्टिक भी अप्लाई किया जाता है, ये इसलिए किया जाता था कि पानी जो है वो इसमें ना आ जाए। तो ये तो सारा असेंबली लाइन का प्रोसेस है, आगे चल के इसका क्वालिटी चेक किया जाता है, वो किस तरह आपको दिखाऊं। सो असेंबली लाइन पे तैयार होने वाली मशीन जो है अब ये क्वालिटी लाइन के ऊपर आ जाती है जहां इनका थॉरली जो है वो क्वालिटी चेक होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अंदर पल्स क्रिएटर होता है जिसको हम आम जबान में फूल कहते हैं, ये उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही तरह फिक्स है, वो कहीं पर फंस तो नहीं रहा। उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिक पैनल अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और ये तमाम तर लोग अपने एक एक प्रोसेस को अश्योर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाटर टेस्ट शुरू होता है, तो यहाँ पानी आप देख सकते हैं कि वो डाला जा रहा है और जहाँ पानी डाल रहे हैं साथ साथ ही इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई कर रहे हैं और फिर इसको जो है आगे शिफ्ट किया जाता है अगले क्वालिटी चेक में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिक वायर को यहाँ लगाया जाता है, मशीन को चला के देखा जाता है। तो दोनों, एक तो वाटर टेस्ट भी हो रहा है साथ साथ इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी हो रहा है कि क्या मशीन जो है वो अपना काम सही तरीके से कर अंजाम दे रही है नहीं, और फिर आगे चलकर आप देख सकते हैं कि पानी को खुश किया जाता है, ड्रेन किया जाता है और साथ साथ ये वर्कर जो है इसको कपड़े से साफ कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। आखिर में एक और क्वालिटी चेक होता है थॉरली, आप कह सकते हैं कि ये दो लास्ट गेट कीपर हैं जो कोई भी अगर छोटा मोटा मसला भी है मशीन का उसको देखते हैं, उसकी विजुअली देखते हैं कि एस्थेटिकली उसमें कोई कमी तो नहीं, वॉबल तो नहीं कर रही, नॉइज़ तो नहीं आ रही, ये तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद, अशोर करने के बाद आगे इसको पैकिंग सेक्शन में भेज जाते हैं। पैकिंग कैसे होती है आपको वो भी दिखा दें। क्वालिटी चेक के बाद इन मशीन्स को जो है पैकिंग सेक्शन में लाया जाता है और पैकिंग से पहले जो है इसके अंदर इस तरह की एक टोकरी सुपर एशिया अपने क्लाइंट्स के लिए एज अ गिफ्ट रखता है और साथ ही साथ इसके अंदर ना सिर्फ वारंटी कार्ड्स होते हैं बल्कि ये क्लॉथ पैक्स भी होते हैं जिसमें आप अपने कपड़े सुखाने के काम आ सकते हैं। और ये जो मशीन्स हैं
टिन को यहाँ ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कार्टन में पैक किया जा रहा है, और कार्टन में पैक करने के बाद इस पर स्ट्रिप्स अप्लाई की जा रही हैं ताकि ये कार्टन से बाहर ना निकल सके, और फिर इनको गोडाउन में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, आपको सुपर एशिया का डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम तरह प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, क्या क्या ये बना रहे हैं और किस किस किस्म की वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। तो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर एशिया के इस खूबसूरत से डिस्प्ले सेंटर में जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से डिस्प्ले की हैं, और ख़ास तौर पर वॉशिंग मशीन जिसकी मेकिंग प्रोसेस हमने आज आपको दिखाया। यहाँ पर तमाम रेंज ऑफ वॉशिंग मशीन मौजूद हैं और फॉर्चुनेटली हमारे साथ इनके यंग डायरेक्टर उमर अशरफ मुगल भी मौजूद हैं। तो उमर भाई बताइएगा कितनी किस्म की जो है वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं और टोटल कितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सुपर एशिया बना रहे हैं? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन में हम लोग मार्केट में पायनियर हैं, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन की रेंज है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर एशिया के पास है, जिसमें सिंगल टब, ट्विन टब, सेमी ऑटोमेटिक और उसके बाद अभी जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई हैं तो उसमें भी हम लोग पूरा मतलब मार्केट को लीड कर रहे हैं, जिसमें सिक्स सेंस वॉशर और वन टच वॉशर जो दुनिया में ट्रेंड चल रहे हैं वॉशिंग मशीन के, तो वो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं क्योंकि लोग टाइम सेविंग की तरफ जा रहे हैं कि कपड़े डाले और ऑफिस चले गए, शाम को आए और आपको रेडी टू वेयर क्लोथ मिलते हैं। नाइस, यानी कि पाकिस्तानियों को आसानी फराहम कर रहे हैं आप, जिंदगी आसान। जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन पूरी दुनिया में हो रही है तो इट हैज़ टू रेप्लिकेट इन पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वॉशिंग मशीन्स की तो बड़ी रेंज नज़र आ ही रही है, लेकिन यहाँ पर एयर कूलर जो है वो हमें बड़ी तादाद में बड़े डिफरेंट शेप्स में नज़र आ रहे हैं, तो ये भी सारा का सारा खुद ही यहाँ पर बना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एयर कूलर की भी सबसे बड़ी रेंज पाकिस्तान की सुपर एशिया के पास है, और इसमें इन्वर्टर मोटर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कूल बॉक्स सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, आइस बॉक्स जिससे पानी बड़ा ज़्यादा के साथ ही सर्कुलेशन की ठंडी हो जाती है और इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके मोल्ड भी खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर हो रही है सारा इसका अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में, और ये एक्सपोर्ट भी बहुत सारे कंट्रीज़ में हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस, और बड़े डिफरेंट किस्म के इसके डिज़ाइन हैं, और मुझे जो अच्छी बात लगी कि सारी की सारी प्लास्टिक बॉडी, यानी कि वो करंट लगने का जो मसला है बिल्कुल वो भी नहीं हो गया, बहुत सेफ है, बहुत सेफ, बहुत सेफ टोटली से। अच्छा, इसके अलावा गीज़र हैं और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं हमारे पास? होम अप्लाइंसिस में गीज़र्स हैं, वाटर डिस्पेंसर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, उसके बाद फैंस हैं, और उसके बाद किचन अप्लाइंसिस हैं, वो पूरी एक रेंज हमारे पास सुपर एशिया की मार्केट में। बहुत बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच उमर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, और बिलाशुबा हमारे व्यूअर्स को भी आज जो है बहुत ना सिर्फ इस प्रोग्राम को देख के उन्होंने एंजॉय किया होगा बल्कि उन्हें फ़ख्र भी हो रहा होगा, और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, और याद रखना चाहिए बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अगर ये प्रोग्राम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर नहीं देख पा रहे तो परेशान मत होइए, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमारे पेजेस हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा iOS और एंड्रॉयड पे हमारी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, उनको डाउनलोड करें और हमारे इन प्रोग्राम से एंटरटेन। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे, फलता फूलता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।